मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। राजस्थान सरकार ने प्रदेश वासियों के लिए एक खास स्कीम की शुरुआत की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ नई जानकारी दूंगा। हालांकि आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों के लिए राज्य सरकार की ओर से 1 मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार योजना के पात्र लाभार्थी होंगे। बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आंख की स्थायी पूर्ण क्षति होने पर 5 लाख रुपए तक का आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। देखिए, नई बात यह है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार के सदस्य अगर छत से गिर जाता है या मकान ढहने से मौत हो जाती है, डूबने से, रासायनिक द्रव्यों जलने के कारण या फिर बिजली के झटके तथा जलने से होने वाली मृत्यु और क्षति होती है, तो योजना का लाभ देय होगा। योजना का संचालन राज्य बीमा योजना एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि भगवान किसी के साथ ना करे, लेकिन हाथ, पैर या आंख की पूर्ण क्षति होने पर भी इस योजना के तहत 1.5 लाख रुपए पीड़ित को मिलेंगे और दुर्घटना में दोनों हाथ या दोनों पैरों की क्षति होती है तो 3 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। देखिए, आपको बता दूं, जब भी आपको इलाज के लिए अस्पताल में जाना पड़े तो अपना जन आधार कार्ड, जन आधार पंजीयन की रसीद, चिरंजीवी बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र साथ लेकर जाए, ताकि आपको इन योजनाओं का फायदा मिल सके। देखिए, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थी है, उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। और जो बाकी लोग इस योजना का फायदा लेना चाहता है, चाहे वह सरकारी कर्मचारी क्यों न हो, उन सभी परिवारों को 850 रुपए वार्षिक प्रीमियम जमा करवाना होगा। तो यही थी आज की बड़ी अपडेट। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।